सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल नथिंग फोन 2A। अगर आप लेने का सोच रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको जानना है। सबसे पहले कि बॉक्स के अंदर यार कुछ भी चार्जर वगैरह नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ एक टाइप C2C केबल मिल जाता है। सो आज के इस वीडियो में गाइज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी घर में कोई रियलमी का 67 वाट चार्जर है, जैसे गाइज यहाँ पर यार आप लोग देख सकते हो मेरे पास ये रियलमी का 67 वाट चार्जर, तो इससे बेसिकली इसको चार्ज करके देखेंगे कि कितना टाइम बेसिकली लेता है 0 to 100% फुल चार्ज होने में। अदरवाइज नथिंग का ऑफिशियल चार्जर भी है, लेकिन ये लगभग 3000 से ऊपर है उसका प्राइस एंड ये 60 वाट से ज़्यादा है। ये तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, ये आता है बेसिकली 5000 mAh एक बड़ा बैटरी के साथ एंड नथिंग क्लेम करता है 45 वाट तक ये मैक्सिमम सपोर्ट करता है फर्स्ट चार्जिंग को। सो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कितना टाइम लेता है बेसिकली ये रियलमी चार्जर के साथ। ऑल राइट, तो आप देख सकते हो इसमें मैंने फिलहाल अभी 1% बैटरी रखा है, फुल बैटरी को ड्रेन कर दिया एंड ये है हमारे पास 67 वाट रियलमी का सुपर वूक चार्जर। इसी से गाइस हम लोग चार्ज करेंगे, देखते बेसिकली कितना टाइम लेता है नथिंग फोन 2A। और केबल भी हम यूज़ करेंगे ये रियलमी का, क्योंकि टाइप सी वाला गाइस पोर्ट नहीं है इस चार्जर में। और बीच बीच में हम लोग इसका जो टेम्परेचर है ये भी चेक करेंगे कितना हीट होता है चार्जिंग के टाइम पे। नाउ अभी पावर देते हैं इसको एंड गाइस यहाँ पे चार्जिंग हम लोग चालू कर देते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पावर दे दिया, से हम लोग साथ में टाइमर को भी चालू कर देते हैं। एंड काफी सारे लोग इंटरनेट को ऑफ करके चार्ज में डालते हैं, तो गाइस हम लोग भी यहां से एक बार कर लेंगे यार टर्न ऑफ जो भी वाईफाई कनेक्शन है। एंड आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड के अंदर कुछ एप्लीकेशंस रन कर रहा है। अभी हम लोग बैक करेंगे 30 मिनट के बाद कि कितना परसेंट यहां पे चार्ज होता है 30 मिनट में। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर देना। सो गाइज 30 मिनट कंप्लीट हो चुका है एंड चलिए एक बार से चेक करते हैं कितना परसेंट बेसिकली चार्ज हुआ है इसमें। तो यार आप लोग देख सकते हो 18% ही चार्ज हो पाया है ये 30 मिनट के अंदर नथिंग फोन 2A। एंड चलिए गाइज साथ में एक बार से हम लोग टेम्परेचर भी देख लेते हैं। तो डिवाइस का है 31.6 एंड मेरा रूम का टेम्परेचर है 29.7। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये स्लो चार्ज हो रहा है, लेकिन लेट्स सी आगे कितना टाइम ये फुल चार्ज होता है। हम लोग अभी बैक करेंगे आफ्टर 1 आवर। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 घंटे यार कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक बार से हम लोग यार चेक करते हो, तो आप देख ही सकते हो 35% चार्ज हो पाया है यार 1 घंटे में नथिंग फोन 2A। एंड चलिए गाइस साथ में एक बार से हम लोग टेम्परेचर भी देख लेते हैं, 32.6 डिग्री है एंड रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री। चार्जिंग पे डिवाइस ज़्यादा हीट तो नहीं होता है, लेकिन ये एगारो का हेयर ड्रायर काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करता है, जिससे आप लोगों का गीला बाल काफ़ी इजीली ड्राई हो जाएगा। तो ये एगारो का गाइस 1200 वाट वाला एक का वॉल्यूमाइजर। ओके, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इसका बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो इसको ओपन करने पर सबसे पहले यार आप लोगों को देखने को मिल जाता है मैनुअल एंड एक वारंटी कार्ड। एंड ये बेसिकली वॉल्यूमाइजर लॉन्ग लाइन एंड ब्रिस्टर्स देख सकते हो एंड ये एन्यू टेक्नोलॉजी के साथ आता है। एंटी स्कैंडल हेड का भी सपोर्ट आपको इसके अंदर दिया गया है। ये टोटल गाइस यहाँ पे 3 टाइप ऑफ हीट आपको मिल जाता है, लाइक यहाँ पे 2 टाइप ऑफ स्पीड सेटिंग भी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वर्सटाइल स्टाइल के लिए। ओके, एंड यहाँ पे गाइस आप लोगों को कुछ ऐसा इसका जो केबल है इसको आप लोग घुमा सकते हो, क्योंकि जैसे आप लोग यूज़ करोगे अपने बाल के अंदर तो ये ईजिली आपको हेल्प करता है बेसिकली कोई भी स्टाइल यहाँ पे बनाने के लिए आपके बाल का। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो हेयर है थोड़ा ज़्यादा छोटा है, इसीलिए आप लोग इजीली ड्राई कर सकते हो कि ये 2 टाइप्स यहाँ पे आप लोग काम इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज काफ़ी अच्छे से मेरा जो यहाँ पे हेयर है ड्राई हो चुका है। इवन यहाँ पे मेरा अलग से कोई कंघी का भी ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे कंघी का भी काम कर रहा है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर आप लोग चाहते हो कोई एक और यहाँ पे स्टाइल वगैरह क्रिएट करना तो ईजिली कर देगा। यानी गाइज यहाँ पे 2 in 1 आपको मिलता है, कर्ली हेयर या फिर ड्राइंग दोनों काम यार एक साथ आप लोग इसी बेसिकली 11 का जो वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर है इससे कर सकते हो। इसका लिंक यार आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग इसको परचेस करना चाहते हो अमेजोन से परचेस कर सकते हो, एक बार से जाकर चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन। एनीवे गाइस हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे सिंपली कितने टाइम में फुल चार्ज होता है। अभी 1 घंटा हो चुका है, हम लोग बैक करेंगे जब ये 1 घंटा 30 मिनट कंप्लीट होने वाला होगा। सो गाइज फाइनली 2 घंटा कंप्लीट हो चुका है एंड 1 घंटा 30 मिनट में हुआ था 52%, उसीलिए उस पार्ट को हम लोगों ने शूट नहीं किया। एंड अभी यार आप लोग देख सकते हो 67-68% बेसिकली चार्ज हो चुका है 2 घंटे में। सो आप लोगों को कैसा लग रहा है बेसिकली इसका चार्जिंग स्पीड। बाकी इसकी टेम्परेचर की बात करें तो डिवाइस का 33.4 डिग्री एंड मेरा रूम का है बेसिकली 30 डिग्री। ओके, डिवाइस ज़्यादा हीट तो नहीं होता, लेकिन हाँ गाइज काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज होता है बेसिकली किसी भी थर्ड पार्टी चार्जर से। अभी हम लोग बैक करेंगे जब ये फुल चार्ज होने वाला होगा। वीडियो को लाइक कर देना।
सो गाइज फाइनली ये 3 घंटा 12 मिनट के अंदर यार फुल चार्ज हो चुका है नथिंग फोन 2A इसी रियलमी 67 वाट सुपरबुक चार्जर से। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार, इतना टाइम किसके पास है फोन चार्ज करने के लिए। बाकी टेम्परेचर डिवाइस का है 36.3 एंड मेरा रूम का है 33.6। हीट नहीं होता है लेकिन गाइज बहुत ज़्यादा यार टाइम लगता है बेसिकली इसी रियलमी का जो चार्जर है इससे चार्ज करने पे। बाकी का चार्जिंग हिस्ट्री आप देख सकते हो, 30 मिनट में हुआ था 18%, 1 घंटे में 35%, 1 घंटा 30 मिनट में 52%, 2 घंटे में 67% एंड फाइनली 100% हो गया 3 घंटा 12 मिनट के अंदर। होपफुली गाइस ये एक्सपेरिमेंट वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करना, फर्स्ट टाइम आए हो मैक्स योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।